जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल पर मोदी सरकार ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और उन्हें तीसरी बार पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। अब अजीत डोभाल तीसरी बार ये जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें कोई भारत का जेम्स बॉन्ड कहता है तो कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का हीरो कहता है, कोई मोदी का तुरुप का इक्का कहता है तो कोई अजीत डोभाल को पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर बताता है। अजीत डोभाल के खाते में वैसे तो कई तमगे हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की शुरुआत से ही अजीत डोभाल चर्चा में रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की बात हो, डोभाल हर मोर्चे पर देश की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। इसलिए गुरुवार को मोदी सरकार ने फिर से अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। आदेश में साफ कहा गया है कि उनकी नियुक्ति पीएम मोदी के कार्यकाल के साथ अगले आदेश तक जारी रहेगी। पीएम मोदी की आंख और कान कहे जाने वाले अजीत डोभाल बैच के आईपीसी अधिकारी हैं। अजीत डोभाल को कूटनीतिक एक्सपर्ट और काउंटर टेररिज्म का स्पेशलिस्ट माना जाता है। आईबी प्रमुख रहे डोभाल को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। डोभाल ने अपने 46 साल की सर्विस में सिर्फ 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी, बाकी डोभाल का ज्यादातर समय देश के खुफिया विभाग में ही बीता है। इसी के साथ मोदी सरकार में पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर पीके मिश्रा को भी दोबारा प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा तरुण कपूर और अमित खरे पीएम के सलाहकार होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।